गुड मॉर्निंग दोस्तों, संडे की सुबह आपके लिए फिर से एनिमल स्पेशल लेकर आ गई है शिप्रा। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में और अजीबोगरीब नामों के साथ। पहला दोस्तों, क्या आप ताबूत मछली के बारे में जानते हैं? अब आप बोलेंगे ताबूत मतलब कॉफिन, अभी कॉफिन फिश भी होता है? जी हाँ दोस्तों, कॉफिन फिश भी होता है। कॉफिन फिश या फरी कॉफिन फिश चुनासिडाई परिवार के समुद्री मेंढक की एक प्रजाति है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से दूर दक्षिण पश्चिम प्रशांत के नमकीन समशीतोष्ण जल में पाया जाता है। कॉफिन फिश को पहली बार फरवरी 1997 के आसपास सिसिली इटली में लिब्रा के स्कीपर द्वारा खोजा गया था, जो उस समय मजारा में शरण लिए हुए एक ट्रॉलर था। यह 50 से 300 मीटर की गहराई में पाया जा सकता है। फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर गहरे समुद्र के केकड़े मछुआरे उन्हें तट से लगभग 54 से 67 मील की दूर पर 5000 से 8000 फीट की गहराई से ऊपर खींचते हैं। उनके पास एक गोलाकार और कांटेदार शरीर होता है जो 22.0 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई तक बढ़ता है, और थूथन पर एक काला मुंह अस्तर और एक इलिसियम होता है जिसे खांचे में उतारा जा सकता है। बेंथिक समुद्र के मैला तल, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप सेल्फ और गहरे समुद्री में ऊपरी ढलान आमतौर पर 200 मीटर से 2500 मीटर पर है। हिंद महासागर में भी दो अलग अलग प्रकार की कॉफिन फिश है जो इसके गहरे पानी में रहती है, चोनाक्स नेबुलोसस और चोनाक्स अफ्रीकेनस। पृष्ठीय भागों पर अलग अलग चिन्ह के कारण वे रंग में भिन्न होते हैं। गोल शरीर और ढीली त्वचा के साथ वेंट्रिकल रूप से संकुचित एक छोटी गोल पूंछ की ओर झुकना, विशेष रूप से प्रमुख खुली पार्श्व रेखा नहरों के साथ सिर बहुत बड़ा और गोलाकार, आंखें पृष्ठीय, मुंह अपेक्षाकृत छोटे, तेज पतले दांतों के साथ बड़ा तिरछा लगभग लंबवत होता है, लालच छोटा है, थूथन के ठीक पीछे एक अवसाद के भीतर स्थित है जिसमें यह आराम करता है। इसका MOP जैसा है, कई छोटे धागे की तरह सिर्री का घना समूह है। त्वचा छोटे से छोटे रीढ़ की तरह के तराजू से घनी होती है जो आकार में कुछ समान होती है। ब्लैक आइड महसूस होती है, शार्क के तराजू। सिर पर विशिष्ट नहरों में शामिल होने पर होने वाले शरीर पर एकल खुली पार्श्व रेखा नहर और दुम पंख के समीपस्थ भाग के पीछे की ओर फैली हुई है। एनल फिल किरणें 6 या 7, नरम पृष्ठीय पंख 10 से 12 किरणों के साथ, पेक्टोरल पंख संकीर्ण और पैडल जैसे 10 से 15 नरम किरणों के साथ, स्फेनोटिक हड्डियों के अग्रपार्श्विक कोणों के बीच सबसे बड़ी दूरी मानक लंबाई का 15 से 23 प्रतिशत है। सुपर ऑर्बिटल पंक्ति में 10 से 13 न्यूरोमास्ट, ऊपरी प्री ऑपरकुलर पंक्ति से में 2 से 4 न्यूरोमास्ट, निचली प्री ऑपरकुलर पंक्ति में 3 से 5 न्यूरोमास्ट, पेक्टोरल पंक्ति में 10 से 13, पार्श्व रेखा में 29 से 42। यह राफ्ट्स में अंडे देती है, अपेक्षाकृत उत्पादक सतही जल में विकास प्रदान करने वाली बड़ी भौगोलिक दूरी पर बड़ी संख्या में छोटे अंडों को प्रसारित करने के लिए उत्प्लावक राफ्ट एक उत्कृष्ट उपकरण है। दूसरा दोस्तों, क्या आप पॉलीचिटे के बारे में जानते हैं? पॉलीचिटा आमतौर पर समुद्री एनेलिड कीड़े का एक पैराफाइलेटिक वर्ग है जिसे आमतौर पर ब्रिसल कीड़े या पॉलीचेट्स कहा जाता है। शरीर के प्रत्येक खंड में मांसल उभारों की एक जोड़ी होती है जिसे पैरापोडिया कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे ब्रिसल्स होते हैं जिन्हें चाटे कहा जाता है, जो किससे बने होते हैं? चिटिन। इस वर्ग में 10,000 से अधिक प्रजातियों का वर्णन किया गया है। सामान्य प्रतिनिधियों में लुग वर्म और सैंड वर्म या क्लैम वर्म इलेक्टा शामिल है। एक वर्ग के रूप में पॉलीकाइट्स मजबूत और व्यापक है, ऐसी प्रजातियों के साथ जो रसातल मैदान के सबसे ठंडे समुद्र के तापमान में रहते हैं, जो हाइड्रोथर्मल वेंट के पास अत्यधिक उच्च तापमान को सहन करते हैं। पॉलीकाइट्स पृथ्वी के महासागरों में सभी गहराई पर पाए जाते हैं, उन रूपों से जो सतह के पास प्लैंकटन के रूप में रहते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर नमूने के लिए चैलेंजर डीप के तल पर रोबोट महासागर जांच नेरस द्वारा देखे गए। सबसे गहरे पृथ्वी के महासागरों में ज्ञात स्थान ताजे पानी से केवल 168 प्रजातियां ज्ञात है। पॉलीकाइट्स खंडित कीड़े हैं, आमतौर पर लंबाई में 10 सेंटीमीटर से कम। हालांकि यूनिस
एफ्रोडी टॉयस में 1 मिलीमीटर से 3 मीटर तक की चरम सीमा होती है। वे कभी कभी चमकीले रंग हो सकते हैं और इंद्रधनुष या ल्यूमिनेसेंट भी हो सकते हैं। प्रत्येक खंड में चप्पू की तरह अत्यधिक संवहनी पैरापोडिया की एक जोड़ी होती है जो आंदोलन के लिए उपयोग की जाती है और कई प्रजातियों में कृमि के प्राथमिक श्वसन सतहों के रूप में कार्य करती है। ब्रिसल्स के बंडल जिसे चेटे कहा जाता है पैरापोडिया से प्रोजेक्ट होता है। हालांकि पॉलीकिट्स इस सामान्यकृत पैटर्न से व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और विभिन्न शरीर रूपों की एक श्रृंखला प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे सामान्यकृत पॉलीकिट वे है जो नीचे की ओर रेंगते हैं, लेकिन दूसरों ने कई अलग अलग पारिस्थितिक निशानों को अनुकूलित किया है जिसमें बिल बनाना, तैरना, पैलेजिक जीवन, ट्यूब आवास या उबाऊ, सहभोजवाद और परिजीवीवाद शामिल है जिनके शरीर रचना संरचनाओं में विभिन्न संशोधन की आवश्यकता होती है। सेरी या प्रोस्टोमियम अन्य एनेलिडों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से विकसित होता है। यह मुंह के ऊपर आगे की ओर प्रोजेक्ट करता है जो जानवर के नीचे की तरफ होता है। सिर में आमतौर पर 2 से 4 जोड़ी आंखें होती है, हालांकि कुछ प्रजातियां अंधी भी होती है। ये आमतौर पर काफी सरल संरचना है जो केवल प्रकाश और अंधेरे को अलग करने में सक्षम है। हालांकि कुछ प्रजातियों में लेंस के साथ बड़ी आंखें होती है जो अधिक परिष्कृत दृष्टि के लिए सक्षम हो सकती है, जिसमें ऑल्सी ओपेट्स की जटिल आंखें शामिल है जो कि सेफेलोपॉड और कशेरुक आंखों को टक्कर देती है। तीसरा, दोस्तों क्या आप डिनोचेलस के बारे में जानते हैं? डिनोचेलस आसोबेली समुद्री जीवन की जनगणना के दौरान फिलीपींस में 2007 में खोजी गई एक छोटी सी समुद्र की झींगा मछली है और 2010 में नए डिनोचेलस में वर्णित है। इसके 2 पंजे आकार में बहुत भिन्न होते हैं, लंबे होते हैं और भीतरी सतह पर कई लंबे दांत होते हैं। डिनोचेलस आसोबेली की कैरपस लंबाई लगभग 31 मिलीमीटर है और जीवन में ज्यादातर पारभाषी सफेद है। कैरपस के मध्य में लाल गुलाबी रंग के साथ पूंछ के पंख पर एंटीना और पहले पेरियोपोड्स पर इसके 2 पंजे आकार में बहुत भिन्न होते हैं। डिनोचेलस फिलीपींस में लुजोन के तट से केवल अपने प्रकार के इलाके से जाना जाता है। यह 2007 में लगभग 250 मीटर की गहराई पर फंसाने से पाया गया था। समुद्री जीवन की जनगणना के भाग के रूप में 21वीं सदी के पहले दशक में समुद्री जीवन का दस्तावेजीकरण करने का एक बड़ा प्रयास है। 2010 में वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा इसका वर्णन किया गया था। इसे दोस्तों टेरिबल क्लॉ लॉबस्टर भी कहते हैं। चौथा, दोस्तों क्या आप समुद्री मकड़ी के बारे में जानते हैं? अब आप बोलेंगे कि समुद्री केकड़े के बारे में सुना है, बट अब मकड़ी कहां से समुद्र में घुस गई? जी हाँ दोस्तों, समुद्री मकड़िया पेंटोपोडा के समुद्री ऑर्थोपोड है जो पाइक्नोगोनिडा वर्ग से संबंधित है, इसलिए उन्हें पाइक्नोगोनिड्स भी कहा जाता है। प्रत्यय वे कॉस्मोपॉलिटन है, दुनिया भर के महासागरों में पाया जाता है। 1,000 से 300 से अधिक ज्ञात प्रजातियों के पैर 1 मिलीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक है। अधिकांश अपेक्षाकृत उतली गहराई में इस सीमा के छोटे सिर की ओर है। हालांकि वे अंटार्कटिक और गहरे पानी में काफी बड़े हो सकते हैं। छोटे शरीर के आकार के विपरीत समुद्री मकड़ियों के लंबे पैर होते हैं। चलने वाले पैरों की संख्या आमतौर पर 8 होती है, लेकिन परिवार पाइक्नोगोनिडे में 5 जोड़े वाली प्रजातियां होती है। परिवार कोलोसेसेनिडे और निम्फोनिडे में 5 और 6 जोड़े दोनों के साथ प्रजातियां होती है। 4 जेनेरा में वितरित 7 प्रजातियां में 5 जोड़े हैं और 2 जेनेरा में 2 प्रजातियों में 6 जोड़े हैं। पाइक्नोगोनिड्स को पारंपरिक श्वसन प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बजाय गैसों को पैरों द्वारा अवशोषित किया जाता है और प्रसार द्वारा शरीर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। एक सुंड उन्हें नरम शरीर वाले अकशेरुकीय से पोषक तत्वों को चूसने की अनुमति देती है और उनके पाचन तंत्र में डाइवर्टिकुला में पैरों में फैलता है। कुछ पाइकोगोनाइड्स इतने छोटे होते हैं कि उनकी बहुत छोटी मांसपेशियों में से प्रत्येक में 1 कोशिका होती है जो संयोजी ऊतक से घिरी होती है। पूर्व काल
क्षेत्र में सुंड होती है, जिसमें काफी सीमित डोरोसे वेंट्रल और लेटरल मूवमेंट होता है। आंखों के साथ ऑकुलर ट्यूबरकल और उपांगों के चार जोड़े तक, इनमें से सबसे पहले चेरिफोर्स हैं, इसके बाद पल्प्स ओविगर्स हैं, जिनका उपयोग खुद को साफ करने और अंडों और युवाओं की देखभाल के साथ साथ प्रेमालाप और चलने वाले पैरों की पहली जोड़ी के लिए किया जाता है। निम्फोनिडे एकमात्र ऐसा परिवार है जहाँ चेरिफोर्स और पल्प्स दोनों कार्यात्मक है, दूसरों में चेरिफोर्स या पल्प्स या दोनों कम या अनुपस्थित है। कुछ परिवार में मादाओं में अंडाशय कम गायब भी हो सकता है, लेकिन पुरुषों में हमेशा मौजूद रहते हैं। उन प्रजातियों में जिसमें चेरिफोर्स और पल्प्स की कमी है, सुन अच्छी तरह से विकसित और लचीली होती है, जो अक्सर कई संवेदी ब्रिसल्स और मुंह के चारों ओर मजबूत रेस्पिंग लकीरों से सुसज्जित होती है। अंतिम खंड में गूदा ट्यूबकल शामिल है, जो पृष्ठीय रूप से प्रोजेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर पाइक्नोगोनिड्स में चलने के लिए 4 से 6 जोड़े पैर होते हैं और सेफलोथेरॉक्स में एक बहुत छोटा अखंडित उदर पाइकोगोनिड के बेहद कम शरीर को बनाता है, जिसमें गैर कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन पर पृष्ठीय रूप से स्थित सरल आंखों के 2 जोड़े होते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट के लेकर भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर तक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों तक वे उथले पानी में सबसे आम है, लेकिन 7000 मीटर के रूप में गहरे में भी पाए जाते हैं और दोनों समुद्री और एस्टुअरीन आवासों में रहते हैं। पाइक्नोगोनिड चट्टानों के नीचे और तट रेखाओं के साथ पाए जाने वाले शैवाल के बीच अच्छी तरह से छलावरण करते हैं। 5वां, दोस्तों क्या आप व्हाइट मार्जिन स्टार गजर के बारे में जानते हैं? व्हाइट मार्जिन स्टार गजर यूरेनोस्कोपीडे परिवार की एक मछली है, जो इंडो पैसिफिक, लाल सागर, इंडोनेशिया, फिजी, समोआ और टोंगा में फैली हुई है। समुद्री चट्टान से जुड़ी मछली अधिकतम लंबाई में 35 सेंटीमीटर तक होती है। डॉर्सल स्पाइन, पृष्ठीय कोमल किरणें, 12 से 13 एनल स्पाइन, पहले काले पृष्ठीय पंख द्वारा पहचाना गया विशिष्ट काले धब्बों वाला शरीर, निचले जबड़े के अंदर रेस्पिरेटरी बल्ब के साथ एक धागे जैसा भूरा उपांग और चारों ओर कई लंबे तंतु आधार होते हैं। संक्रिय का ऊपरी किनारा पीछे की ओर आरोही, पश्च नथुना एक भट्टा जैसा छिद्र या बहुत कम ट्यूबुलर बल्ब के साथ, बी स्पाइन के साथ पहला पृष्ठीय पंख, केवल एक बेसिट्रिगियल प्रक्रिया, आंख पर सिरस नहीं, रिफ फ्लैटो और तटीय तलों में निवास करता है, लेकिन यह शायद ही कभी देखा जा सकता है क्योंकि यह ज्यादातर समय रेत या कीचड़ में दबा रहता है। केवल आंखें दिखती है। दफनाने पर मुंह के किनारे पर सिर्री श्वसन के दौरान रेत को बाहर रखने का काम करती है। मुंह की हड़ताली सीमा के भीतर शिकार को आकर्षित करने के लिए ओरल ल्यूर का उपयोग किया जाता है। कंधे में एक विषैला क्लिथरल रीढ़ है, घाव गंभीर हो सकता है। 1990 ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर की मछलियां यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई प्रेस होनोलुलु हवाई द्वारा इसे संदर्भित किया गया है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन का भी प्रेस करना ना भूलिएगा और दोस्तों, अगर कोई कमी हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा और आज का दिन आपका शुभ हो।